गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ सैंडिला तिवारी और आप सबका वेलकम है अप्रिशिएट इंग्लिश चैनल में। रिसर्चर्स बताते हैं कि 99% लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, पैसा है, उसका डबल 1% पॉपुलेशन के पास है। मतलब 1% लोग 99% से दुगना रिच हैं, वेल्दी हैं। इससे ये पता चलता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर पैसे का या रिसोर्सेज का नहीं है। और उसी इनइक्वालिटी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोएम अ रोड साइड स्टैंड में दिखा रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो लोगों की सफरिंग्स, उनके डर, उनकी जिंदगी की डिफिकल्टीज, लोगों की लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो बर्डन हैं, उन सबको एड्रेस करते हैं, उस बारे में लिखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम अलग अलग तरह के लोग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका लाइफस्टाइल, इस पे बेस्ड होता है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट गांव के लोगों की डिफिकल्ट लाइफ्स, उनके स्ट्रगल को डिस्कस करते हैं और साथ ही वो डिस्कस करते हैं कि जो शहरी लोग हैं वो कितने इनसेंसिटिव हैं। वो एक बार भी गांव के लोगों को या गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नहीं सोचते। सिटी के लोग एक बार भी नहीं सोचते कि वो गांव के लोगों की हेल्प किस तरह कर पाएंगे और उनकी लाइफ कितना आसान कर पाएंगे। पोएम शुरू करते हैं। रोड किनारे एक पुराना छोटा सा घर है जिसके आगे शेड लगा हुआ है। वो शेड इसीलिए लगा हुआ है ताकि गांव वाले गरीब लोग जो अपने खेतों में सब्जियां और फ्रूट्स उगाते हैं वो उस शेड के नीचे रख सके और रोड से आने जाने वाले लोग उसे देखें और खरीदें। लेकिन गरीब लोगों के एक्सपेक्टेशंस के उल्टा उस रोड के आगे गाड़ियां रुकती नहीं है, लोग देखते नहीं है उन फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, बल्कि वो अपनी गाड़ियों को और तेज करके निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। रोड साइड स्टैंड मतलब रोड किनारे, सड़क किनारे गांव के रहने वाले लोग वो शहर के लोगों से जो गाड़ियों से आ जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। वो रोटी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, वो पैसे के लिए, कैश के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उस कैश के, उस पैसे से आने से उन गरीब लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। अगर सिटी के लोग कुछ पैसे देंगे, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कैश देंगे, तो इससे गांव वालों की लाइफ डूबेगी नहीं, उनकी लाइफ अपलिफ्ट होगी, वो मुरझाकर नहीं गिरेंगे, उनकी जिंदगी मुरझाएगी नहीं। लेकिन गरीबों के एक्सपेक्टेशंस के उल्टा शहर के लोग बिना कुछ नोटिस किए हुए आगे बढ़ जाते हैं और रोड साइड स्टैंड की तरफ देखते भी नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने जाने वाले लोग या तो रोड साइड स्टैंड के आगे रुकते नहीं हैं, अपनी गाड़ी धीरे नहीं करते हैं, और अगर कभी गलती से कर भी दिए तो इस कंप्लेन के साथ रुकते हैं कि डायरेक्शन बताने वाली साइन बोर्ड जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन बताती है उसका कलर कितना गंदा हो गया है, उतर गया है, और क्योंकि उस पर लिखे हुए लेटर्स खराब हो गए हैं इसीलिए साइन बोर्ड्स गलत डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। गरीब आदमी कहता है कि ये बड़े बड़े शहर के लोग, इनका नजर साइन बोर्ड पे तो चला जाता है जिसका पेंट उखड़ गया है, जो नॉर्थ या साउथ की गलत डायरेक्शंस बता रही हैं, लेकिन उनकी नजर लकड़ियों के बास्केट में रखे हुए बेरीज पर, गोल्डन स्क्वैश फ्रूट जिसके ऊपर सिल्वर कलर के मार्क होते हैं उस पर क्यों नहीं पड़ता। रोड साइड स्टैंड पे रहने वाला वो गरीब इंसान कहता है कि ये ब्यूटीफुल जगह है, तो लोग यहाँ पे रुकते क्यों नहीं है ताकि वो माउंटेन्स देख सके, ब्यूटीफुल सीनरीज देख सके। शहर के लोगों के पास पैसा है लेकिन अगर वो सेल्फिश है, अगर वो मीन है, तभी वो पैसा खर्च नहीं करेंगे और अपने पैसे को अपने पास रखेंगे और यहां रुके बगैर आगे बढ़ जाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए कहते हैं कि रोड साइड ये पुराना मकान, ये स्टैंड इस सीनरी को खराब कर रहा है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोई कंप्लेन नहीं, उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पोएट यहां पूछते हैं कि उस भरोसे का क्या, उस उम्मीद का क्या जिस उम्मीद से इस रोड साइड स्टैंड को लगाया गया था। एक गरीब इंसान ने एक भरोसे पर, एक उम्मीद के साथ सड़क के किनारे स्टैंड लगाया, शेड लगाकर फ्रूट्स रखे कि लोग आते जाते उन फ्रेश फ्रूट्स को देखेंगे और खरीदेंगे। वो चाहते भी क्या थे? वो शहर के लोगों से बस इतना चाहते थे कि जो पैसा उनके पास है, उनके हाथ में है, उसमें से कुछ पैसे उन फ्रूट्स के बदले वो गांव के लोगों को दे, गरीब लोगों को दे, ताकि उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए। गरीब लोगों ने इस उम्मीद पर ये काम शुरू किया था, शेड के आगे फ्रूट्स रखे थे बेचने के लिए,
कि जिस तरह से वो कहानियों में सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं कि एक इंसान मेहनत करता है तो उसको पैसे मिलते हैं, उसकी लाइफ इजी हो जाती है, उसी तरह उनके साथ भी अच्छा होगा। वो भी मेहनत करेंगे तो पैसे कमाएंगे और उनकी लाइफ भी इजी हो जाएगी। गरीब लोगों ने मूवीज में देखी हुई इस बात पे यकीन किया, किताबों में पढ़ी हुई इन बातों पे, इन आइडियाज पे यकीन किया। लेकिन ये प्रोमिसेस जो मूवीज या किताब करती हैं कि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पैसे आएंगे, ये प्रोमिसेस पूरे नहीं किए गए। पॉलिटिकल पार्टीज भी जब उनसे वोट मांगने आती हैं तो उनसे प्रोमिसेस करती है कि वो उनकी लाइफ अच्छी कर देगी, बेहतर करेगी, बट आज तक उन्होंने भी अपने प्रोमिसेस को पूरे नहीं किए। उल्टा पॉलिटिकल पार्टीज ने कैश का ट्रांजैक्शन, पैसे का फ्लो गरीब लोगों के पास आने से रोका। कैसे? बड़े बड़े मॉल्स में वेजिटेबल शॉप्स बना के। ये बात न्यूज में चल रही है कि रोड के किनारे ये जितने भी घर है ना, इनको हटा दिया जाएगा, सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में लेगी और इन्हें शिफ्ट किया जाएगा उन गांवों में जो थिएटर्स के, बड़े बड़े मॉल्स के, स्टोर्स के पास होंगे, जहां पे अगर सरकारों की मानी जाए तो इन्हें एम्प्लॉयमेंट की चिंता नहीं करने की जरूरत होगी, इन्हें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। पोएट यहां कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये सरकारें लालची होती हैं। सरकार गरीब लोगों को दिखाती हैं कि उनका भला करना चाहती है वो, लेकिन भलाई के नाम पे उनको मारती है, उनका शिकार करती है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस जानबूझ के ऐसी कैलकुलेशंस इनको सिखाते हैं, बताते हैं कि ये कंफ्यूज हो जाए, इन्हें ये पता ना चले कि इनका बेनिफिट कहाँ है। इन सेल्फिश पॉलिटिशियंस को कोई अधिकार नहीं है कि वो गरीबों को बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है और उनकी भलाई किस चीज में है। चालाक पॉलिटिशियंस गरीबों को बताते हैं कि आपको भी आराम करना चाहिए। सेल्फिश पॉलिटिशियंस गरीबों को सिखाते हैं कि कैसे सोना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अपने सोने का, अपने आराम का सोचते हैं और सारा दिन आराम करते हैं, सारा दिन सोते हैं। उन्हें गरीबों की कोई परवाह नहीं है। जब रात में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, मॉल्स बन रहे होते हैं, रोड्स बन रहे होते हैं, तो ये चालाक पॉलिटिशियंस मजदूरों की रात की नींद खराब करते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों ने कहा है, ये एंशियंट बिलीव है कि हमें दिन में काम करना चाहिए और रात में सोना चाहिए। तो एक तरफ तो पॉलिटिशियंस मजदूरों को रात में जगाते हैं और दूसरी तरफ वो खुद दिन में भी आराम करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ उन गरीबों की जगह खुद को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं उन गरीबों की जगह होता तो शायद मैं ये पेन बियर नहीं कर पाऊंगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा जैसे वो कर रहे हैं। तो ये गरीब लोग कर क्या रहे हैं? वो पूरा दिन खिड़कियों से देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई गाड़ी आए, वो स्लो हो, हॉर्न बजाए और उनसे कुछ फ्रूट्स खरीदे। गरीब लोग सारा दिन खिड़कियों के आसपास टहलते रहते हैं, वो प्रे करते हैं कि उन्हें गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दे, गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दे। लेकिन सारी की सारी सेल्फिश गाड़ियां, कार्स बिना रुके हुए आगे पास कर जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन यहां कुछ गाड़ियों को तो रुकना चाहिए, और अगर कुछ गाड़ियां रुकती भी हैं तो घास को गंदा करने के लिए रुकती, मतलब टर्न लेने के लिए रुकती। कुछ गाड़ियां रुकती हैं तो रास्ता पूछने के लिए रुकती, और कुछ गाड़ियां रुकती हैं तो ये पूछने के लिए कि पेट्रोल कहाँ मिलेगा। अ गैलन ऑफ गैस मतलब फ्यूल, पेट्रोल या डीजल। इन अमीर लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि यहाँ गरीबों का घर है, यहाँ सिर्फ फ्रूट्स मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स मिल सकते हैं। ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेट्रोल पंप्स बनाना या फ्यूल रखना। पोएट कहते हैं कि गरीब लोग जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह का सामान बेच रहे हैं, मतलब फ्रूट्स बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, उससे बहुत प्रॉफिट नहीं होने वाला उनको, और इससे उनकी लाइफ अपलिफ्ट नहीं हो पाएगी। उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म नहीं होने जा रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं होगा। वो अपने उगाए फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को बेच के अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। गरीब लोगों को गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज की जरूरत, उन्हें एक ऐसे सोल्यूशन की जरूरत है जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में ही खत्म कर दे। अगले दिन वही गरीब आदमी नॉर्मल होके, रियलिस्टिक होके, प्रैक्टिकल होके जब सोचता है तो उसे आश्चर्य होता है, वो सरप्राइज्ड होता है कि उसने ये सोच कैसे लिया कि वो रोड किनारे शेड के नीचे
फ्रूट्स रखे, वेजिटेबल्स रखे या कुछ भी सामान रखे और सिटी के लोग आए, अपनी गाड़ियों को रोके, उनसे कुछ खरीदे और उनकी जिंदगी को आसान बना दे, ये शायद कभी नहीं हो सकता। और उसे खुद पर अचंभा होता है कि उसने ये सब सोच ही कैसे लिया, ये तो सच्चाई से बहुत दूर की चीज है, ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं।